बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के जसाई मिलिट्री कैंप में एक सेना के जवान ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाकर बाड़मेर की राजकीय अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के अनुसार बीती रात महाराष्ट्र निवासी सेना के जवान सचिन कांटे ने जसाई मिलिट्री कैंप स्थित परिसर में बबूल के पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने जवान के शव का पोस्टमार्टम करवाकर रिपोर्ट लेकर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू की। बाड़मेर के निकटवर्ती जसाई मिलिट्री स्टेशन में कांस्टेबल पद पर तैनात 24 वर्षीय जवान ने देर रात पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद सैन्य अधिकारियों की सूचना पर पहुंची ग्रामीण थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव सैन्य अधिकारियों को सपोर्ट कर दिया। मृग दर्द कर जाँच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि जसाई मिलिट्री स्टेशन में कांस्टेबल पद पर तैनात सचिन कांटे पुत्र विश्वांत आनंद राव जाति मराठा निवासी सतारा महाराष्ट्र ने बबूल के पेड़ पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी से पोस्टमार्टम करवाया और शव सैन्य अधिकारियों को सपोर्ट कर दिया। मामले में पुलिस ने मृग दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। 5 बजे पुलिस स्टेशन को आर्मी जसाई कैंट से इतला मिली थी कि एक जवान ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी बॉडी वहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल में है। जिस पर मेरे डी ड्यूटी होने पर मैं वहाँ मौके पर पहुंचा था। तुरंत वहाँ से बॉडी लेकर यहाँ सरकारी हॉस्पिटल मोर्चरी में लाए हैं। अभी आगे की कार्रवाई करें, पोस्टमार्टम करके बॉडी उनके फौजी टीम को सपोर्ट करेंगे। क्या कारण, कोई सामने कोई सुसाइड नोट वगैरह ऐसा कोई बता था? कोई विशेष कारण सामने नहीं आया उसका अभी तक, तो आगे की जाँच जारी है, उसके बाद देखते हैं क्या। जानकारी के अनुसार सचिन कांटे नामक जवान बुधवार को रात 10 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी पर तैनात था और सुबह 4 बजे वापस उसकी पहरेदारी में ड्यूटी लगनी थी। सुबह जब उसके पहरे पर नहीं देखा गया तो साथी जवान उसकी तलाश की। इस दौरान जवान बबूल के पेड़ पर झूलता मिला। जवानों ने उसे फंदे से उतार कर मिलिट्री अस्पताल ले गए, जहाँ सैन्य चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।